वेलकम यू ऑल इन टीआरएलएस वीडियो लेक्चर्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग 100 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है सिविल इंजीनियरिंग के उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। पहला जैसे हमारा है कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स है ना, तो हम लोग ए माइनस लेमडा आई जो होता है मैट्रिक्स निकाल के फिर उसका डिटरमिनेंट को जब जीरो से इक्वेट करते हैं तो फिर हमारा लेमडा का वैल्यू निकलता है जिसको हम लोग आइगन वैल्यूज कहते हैं। और आइगन ईच आइगन वैल्यू कोरस्पोंडिंग में आइगन वेक्टर निकलता है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। उसके बाद ये दूसरा जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है जैसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू, तो इस तरह के जब इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशंस थ्री वेरिएबल्स, तो हम लोग डेल्टा को इस तरीके से फाइंड करते हैं। एक्स का कोफिशियंट फर्स्ट कॉलम में ए वन ए टू ए थ्री, वाई का कोफिशियंट सेकेंड कॉलम में बी वन बी टू बी थ्री और जेड का कोफिशियंट थर्ड कॉलम में, तो ये डेल्टा इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और डेल्टा वन जो है डेल्टा टू डेल्टा थ्री, जब डेल्टा वन को फाइंड करते हैं तो एक्स के कोफिशियंट में डी वन डी टू डी थ्री हम लोग ले आते हैं फर्स्ट कॉलम में, और जब डेल्टा टू को फाइंड करते हैं तो सेकंड कॉलम में डी वन डी टू डी थ्री आ जाता है, और डेल्टा थ्री में हमारा ये इस तरीके से थर्ड कॉलम में डेल्टा थ्री में डी वन डी टू डी थ्री आता है। तो एक्स इक्वल टू डेल्टा वन बाय डेल्टा, वाई इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा और जेड इक्वल टू डेल्टा थ्री बाय डेल्टा, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये पता रहना चाहिए कि कब यूनिक सोल्यूशन होगा। जब हमारा डेल्टा जो ऊपर निकाले हम लोग डेल्टा का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन होता है यदि डेल्टा इक्वल टू जीरो हो और एटलीस्ट एनी वन अमंग द डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो, तो नो सॉल्यूशन केस होता है। और यदि हमारा सारा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री सारी जीरो आ जाए तो ये केस होता है हमारा इन्फिनाइट सॉल्यूशंस का। अब हम लोग आते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है, तो हम लोग 100 इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे विद टॉपिक्स। तो मैक्सिमा मिनिमा ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन, सिंगल वेरिएबल फंक्शन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन में हम लोग सबसे पहले स्टेप वन में dy dx को जीरो से इक्वेट करते हैं और फिर x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फिर उस पार्टिकुलर x के वैल्यू पर सेकेंड डेरिवेटिव को हम लोग चेक करते हैं। अगर सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन जीरो आता है उस पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ एक्स, तो उस पॉइंट पर हमारा वाई जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो फिर उस पॉइंट पर वाई इज मिनिमम होता है। उसके बाद जो आता है फोर्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मैक्सिमम मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस। यदि यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो स्टेप वन हमारा फाइंड, सबसे पहले हम लोग को डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल वाई फाइंड आउट करना पड़ता है, और फिर हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई को जीरो से इक्वेट करते हैं, और उसके बाद हम लोग एक पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स निकलते हैं एक्स वाई के टर्म में। फिर स्टेप टू में हम लोग चेक करते हैं कि इफ डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन होता है यू एक्स वाई इज मैक्सिमम होता है एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट्स एक्स वाई। और यदि इफ डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, तो उस केस में हमारा यू एक्स वाई जो फंक्शन है वो मिनिमम होता है। उसके बाद अगर केस है अगर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई लेस इक्वल टू जीरो हो, तो उस पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं सैडल पॉइंट, वहां पर ना मैक्सिमम एग्जिस्ट होता है ना मिनिमम एग्जिस्ट करता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जैसे फॉर्मूला है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो निकालते हैं फंक्शन का वो इस तरीके से निकालते हैं डेल एफ डॉट वेक्टर यू बाय मोड ऑफ वेक्टर यू। उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन को इस तरीके से निकालते हैं डेल एफ, और डेल एफ हमारा होता है आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस
जे डेल एफ बाय डेल वाई प्लस के डेल एफ बाय डेल जेड। और डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ निकालने का जो फॉर्मूला है वो डेल डॉट एफ है, और कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन जो निकालने का वो डेल क्रॉस एफ है, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक कंडीशन होता है कि अगर डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फंक्शन का जीरो हो तो उस वो वेक्टर हमारा सोलेनोइडल होता है, और यदि हमारा किसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल जीरो आता है तो वो हमारा वेक्टर इरोटेशनल वेक्टर कहलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला वो है ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम में हमारे इस तरीके का फॉर्मेट है, मान लो फंक्शन है फाई डी एक्स प्लस आई डी वाई, ठीक है, तो ये हम लोग विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, डेल साई बाय डेल एक्स माइनस डेल फाई बाय डेल वाई। या फिर हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि ये मान लो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के टर्म में दिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल, तो हम लोग इस विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रीन्स थ्योरम वी कैन फाइंड द इंटीग्रेशन। तो हम लोग इस तरीके से ये डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई, एम और एन जो गिवेन होगा उसे फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे रिस्पेक्ट टू डी एक्स डी वाई। तो इस तरीके से ग्रीन्स थ्योरम से डबल इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। अगर हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टर्म में हो, फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एक्स, हायर ऑर्डर मतलब जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव से ज्यादा वाले डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो, जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो उसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर कहते हैं, और जिसमें जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा डिग्री वन। तो अगर इस तरीके का हो तो हम लोग सबसे पहले फंक्शन ऑफ डी जो है हमारा ये उसको हम लोग जीरो से इक्वेट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं और फिर वैल्यूज ऑफ डी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अगर इसमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि यदि हमारा राइट हैंड साइड जीरो है तो उस केस में जो हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही कंप्लीट सोल्यूशन होगा, और यदि हमारा राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस केस में हमारा वाई इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल हो इस कंप्लीट सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। तो अब हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे कि अगर एफ डी का वैल्यू, सोचो एफ डी को हम लोग इक्वल टू जीरो से इक्वेट करके सॉल्व किए और ऑल रूट्स आर रियल आ गए, तो उस केस में हमारा जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वाई इक्वल टू सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर एम थ्री एक्स, इस तरीके से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। अगर हमारा सोचो ऐसा केस बनता है कि फर्स्ट टू रूट्स आर सेम एंड रियल है और अदर डिफरेंट है, तो उस केस में जो हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो वाई इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एम वन एक्स हो जाएगा, प्लस बाकी जो नॉर्मल तरीके से सेम रहेंगे जैसे सी थ्री ई की पावर एम थ्री एक्स प्लस सी फोर ई की पावर एम फोर एक्स एंड सो ऑन। यदि हमारा केस ऐसा हो कि रूट्स आर इमेजिनरी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो उस केस में हमारा जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो वाई इंटू ई की पावर रियल पार्ट ऑफ एक्स मतलब अल्फा एक्स मल्टीप्लाइड बाय सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। तो ये ध्यान रखना। तो बाद में नेक्स्ट हम लोग को समझना पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब सपोज हमारा आर एच एस जो है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आर एच एस हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि आर एच एस जो है वो हमारा ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स है ना, तो इस केस में हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल जो निकालेंगे ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ डी हो जाएगा, और ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ डी विल बी रिप्लेस्ड बाय ए, और एफ ए अगर एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे और यही हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। यदि एफ ए का वैल्यू जीरो आता है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए फर्दर हम लोग को एक्स से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे में फंक्शन ऑफ डी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर डी को ए से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर फिर एफ डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो है तभी जाके हम यहाँ रुकेंगे, नहीं तो फर्दर हम लोग को फिर से
ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। केस टू है हमारा, यदि हमारा सपोज आरएचएस में साइन ए एक्स और कोस ए एक्स है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल जब हम निकालेंगे साइन एक्स या कोस एक्स का डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ डी रहेगा, और इस फंक्शन ऑफ डी में डी स्क्वायर वाले जो टर्म है उसको हम लोग माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, और यदि माइनस ए को स्क्वायर को रिप्लेस करने के बाद हमारा सपोज माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर तो वही हमारा मतलब सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, और यदि फिर एफ ओ माइनस ए स्क्वायर जीरो आता है तो फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग को एक्स से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में फिर डिफ्रेंशिएट करके फिर डी स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि डी स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस ए स्क्वायर, ये ध्यान रखना। डी विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस ए स्क्वायर। न्यूमरेटर को हम लोग को हमेशा टारगेट रहेगा कि फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर में कन्वर्ट करें, और फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर डी स्क्वायर को रिप्लेस करें हम लोग माइनस ए स्क्वायर से। उसके बाद थर्ड जो केस है हमारा कि अगर एक्स की पावर एम है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारा जो हो जाएगा एक्स की पावर एम डिवाइड फंक्शन ऑफ डी हो गया, फिर फंक्शन ऑफ डी जो है फिर हम लोग ऊपर में इनवर्स के ले लेंगे और एक्स की पावर एम कर लेंगे, फिर हमारे पास इस बाइनोमियल थ्योरम्स का यूज करके, और फिर यहाँ पर हमारा जब भी आरएचएस हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग चार एक्सपेंशन को याद रखना पड़ेगा, जैसे 1 माइनस डी की पावर माइनस 1 जो होता है वो 1 प्लस डी प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब प्लस डी 4 एंड सो ऑन होता है, और 1 प्लस जो है डी की पावर माइनस 1 है वो 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस डी 4 एंड सो ऑन होता है, और 1 माइनस डी टू द पावर माइनस 2 वो इसका एक्सपेंशन 1 प्लस 2 डी प्लस 3 डी स्क्वायर प्लस 4 डी क्यूब एंड सो ऑन, और 1 माइनस डी की पावर प्लस 1 प्लस डी की पावर माइनस 2 का जो एक्सपेंशन है उसमें हमारा 1 माइनस डू डी 2 डी प्लस 3 डी स्क्वायर माइनस 4 डी क्यू, तो ये चार एक्सपेंशन का यूज होता है हमारे पास अंदर करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में जब हम लोग करते हैं तो सपोज ए लेस देन एक्स लेस देन बी, तो सिंपली इसको इस तरह से लिखा हुआ तो हम लोग को इंटीग्रेट करना है ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड, तो न्यूटन रैप्सन मेथड में जो फॉर्मूला हमारा एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू एक्स आई माइनस फंक्शन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स आई, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूटन रैप्सन मेथड, एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एफ डैश एक्स आई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल में हम लोग ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स टी एक्स जो होता है वो एच बाय 3 फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट मतलब वाई जीरो प्लस वाई एन प्लस 4 टाइम्स ऑफ वाई वन प्लस वाई थ्री अप टू वाई एन माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई टू प्लस वाई 4 अप टू वाई एन माइनस 2 होता है, जहाँ एच जो होता है बी माइनस ए बटे एन होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मेथड का जो फॉर्मूला है हमारे पास x2 इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय f फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0, और x3 इक्वल टू x2 माइनस fx2 मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय fx2 माइनस f ऑफ x1। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिम्पसन 3/8 रूल, 3/8 रूल जो सिम्पसन का वो है ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 3h बाय 8 ए टू बी फंक्शन 3h बाय 8 सिम्पसन वन थर्ड रूल में h बाय 3 होता है और इसमें सिम्पसन 3/8 रूल में 3 बाय 8 h होता है, तो नाम से ही हम लोग ये कोएफिशिएंट तो याद हो जाएगा, फिर फर्स्ट और लास्ट इसमें भी होता है उसमें फर्स्ट और लास्ट होता है। इसमें ध्यान रखना है कि 3 टाइम्स जो होते हैं
वो y1 y2, उसके बाद y3, 3 के मल्टीपल वाले को नहीं कंसीडर करते, जैसे 3 टाइम्स हो y1 y2 y4 y5, फिर y6 को छोड़ना है। उसके बाद +2 टाइम्स हो जो y3 और y6 जो इसमें छोड़ दिए वो यहाँ पर 2 टाइम्स करना है। मतलब हम लोगों को सिम्पसन्स 3/8 रूल भी सिंपल है, बस याद रखना है कि ए टू बी फंक्शन ऑफ dx 3h/8 होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट, 3 टाइम्स y1 से y1 y2 और 3 के मल्टीपल वाले को छोड़ना, 3 टाइम्स y1 y2 प्लस y4 y5 फिर y7 y8 एंड सो ऑन, +2 टाइम्स ऑफ दी y3 y6 अप टू yn-3। तो ये तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो एक्सपेक्टेशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये काफी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल जो होता है ex, वो होता है समेशन ऑफ x, x इक्वल टू 1 to n x px। तो क्वेश्चंस में हम लोगों एक वेरिएबल x के लिए जैसे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू दिया रहता है, तो सिंपली हम लोग एक्सपेक्टेशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल जो है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट। सिंपली हम लोग समेशन ऑफ मतलब x px को सम करना, जैसे x और प्रोबेबिलिटी उस पार्टिकुलर रैंडम वेरिएबल का प्लस x2 फिर प्रोबेबिलिटी उस पार्ट इस पार्टिकुलर रैंडम वेरिएबल x2 के लिए एंड सो ऑन। मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल ex इक्वल टू x1 px1 प्लस x2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस x3 प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 एंड सो ऑन। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि वेरियंस ऑफ है रेंडम वेरिएबल एक्स कैसे हम लोग निकालेंगे। तो वेरियंस ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स का जो फॉर्मूला है, जो हम लोग ई एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, है ना, ये ध्यान रखना है फॉर्मूले में, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसका यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर ई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ pi xi स्क्वायर, मतलब हम लोग x1 का स्क्वायर इंटू px1 प्लस x2 का स्क्वायर इंटू px2 प्लस x3 का स्क्वायर इंटू px3, इस तरीके से करना पड़ेगा जब हम लोग ई एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। और ई एक्स मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ रेंडम वेरिएबल, सिंपली हम लोग x1 इंटू px1 प्लस x2 इंटू px2, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये ध्यान रखना है वेरियंस एक्स जो होता है वो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दोनों डिफरेंट है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर जो हो गया हमारा समेशन ऑफ pi xi स्क्वायर, मतलब x1 स्क्वायर इंटू px1 प्लस x2 स्क्वायर इंटू px2 प्लस x3 स्क्वायर इंटू px3 एंड सो ऑन। और ई एक्स सिंपली हम लोग x1 px1 प्लस x2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑन रैंडम वेरिएबल x2 एंड सो ऑन। तो वेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x निकालना है तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ई एक्स का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चंस आते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू और वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर। उसके बाद हमारे पास ना बैकवर्ड इम्प्लिसिट यूलर्स मेथड है। तो बैकवर्ड इम्प्लिसिट यूलर्स मेथड जो है उसका जो जनरल फॉर्मूला, जैसे yn+1 = yn+h फंक्शन ऑफ xn+1, yn+1, ठीक है, ये ध्यान रखना है। yn+1 = yn+h × fx(n+1) yn+1, ये हमारा बैकवर्ड। अब इसमें से हम लोग समझना है कि जैसे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx = 0, तो इस फॉर्मूले को हम लोग एग्जांपल समझते हैं। dy/dx 0.25y² है, तो हमारा जो dy/dx का वैल्यू होगा उसको हम लोग यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई मानते हैं। ये ध्यान रखना कि dy/dx का वैल्यू जो होता है वहां फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है। तो अब हम लोग को fxn1+yn+1 निकालना है, तो 0.25y² है, तो fxn1+yn+1 सिंपली 0.25y²n+1 हो गया। और फिर यहां से जो वैल्यू आया इसको हम लोग इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर जो अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इस फॉर्मेट में आएगा। और जब हम लोग n का वैल्यू 0 पुट करेंगे और हमारा बाउंड्री कंडीशन जैसे क्वेश्चन में दिया है y0 = 1, तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट जो इटरेशन है y1 का वैल्यू
हमारा ये आ जाएगा, वाई वन को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वाई वन का वैल्यू टू आ जाएगा। तो बैकवर्ड इम्प्लिसिट यूलर्स मेथड में हम लोग को एक तो ये इक्वेशन याद रखना, वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच फंक्शन ऑफ एन प्लस वन इंटू वाई एन प्लस वन, एक फॉर्मूला ये हम लोग को याद रखना है। और तो फिर इसको सॉल्व करके हम लोग एफ एक्स एन वन प्लस वाई एन प्लस वन का वैल्यू सिंपली सी से वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन बाई एच हो जाएगा। एच जो क्वेश्चन में दिया रहेगा स्टेप साइज, एच हमारा क्वेश्चन में स्टेप साइज दिया रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग फिर यूलर्स बैकवर्ड इम्प्लिसिट मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना है डीवाई डी एक्स का जो वैल्यू है वही हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई के रूप में हम लोग यूलर्स मेथड में कंसीडर करते हैं, और एच यहाँ पर हमारा स्टेप साइज है। और ये इक्वेशन को याद रखना, वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स एन प्लस वन वाई कॉम वाई एन प्लस वन। और यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ एक्स एन प्लस वन वाई एन प्लस, इसको रिप्लेस करना विद द हेल्प ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। और जो हमारा फाइनल इक्वेशन वाई एन प्लस वन आएगा उसमें एन का वैल्यू जीरो पुट करके फिर बाउंड्री कंडीशन वाई जीरो बाउंड्री वाई जीरो आई एट एक्स इक्वल टू जीरो दिया रहता है इनिशियल कंडीशन। तो फिर उसके हेल्प से हम लोग नेक्स्ट इटरेशन में क्या वाई का वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करें वो एनालिटिक फंक्शन, फंक्शन ऑफ जेड जैसे एनालिटिक फंक्शन कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। जैसे फंक्शन ऑफ जेड हमारा यू प्लस आयोटा वी है, तो कब इसको हम लोग एनालिटिक बोलेंगे, फंक्शन कब एनालिटिक होगा, ठीक है। तो यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, फंक्शन ऑफ जेड विल बी एनालिटिक इफ डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। तो हम लोग को यू और वी को पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में वी को वाई के रिस्पेक्ट में, यदि ये सेम आ गया। एंड फिर डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी जाके हम लोग फंक्शन विल बी फंक्शन ऑफ जेड विल बी एनालिटिक। सो इफ डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, देन द फंक्शन ऑफ जेड विल बी कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोची-रायमन इक्वेशंस। उसके बाद हमारा रेसिड्यू थ्योरम है। रेसिड्यू थ्योरम होता है इंटीग्रेशन क्लोज इंटरवल एफ जेड डी जेड इक्वल टू पाई आई इंटू सम ऑफ ऑल द रेसिड्यूज एट द सिंगुलर पॉइंट्स विद इन इंटरवल्स, है ना। तो इसमें हम लोग कैसे रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे, तो फंक्शन ऑफ जेड जो दिया रहेगा उसके डिनोमिनेटर को हम लोग को जीरो से इक्वेट करना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है फंक्शन ऑफ जेड जो भी दिया रहेगा या मैंने रेशनल फंक्शन, तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन ऑफ जेड रहेंगे उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग पोल जो जेड का वैल्यू आएगा उसको हम लोग पोल कहेंगे। तो सपोज हमारा जेड का वैल्यू जो है डिफरेंट आ जाता, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे केस वन नॉन रिपीटिंग पोल्स। और नॉन रिपीटिंग पोल्स के लिए जो रूल है वो जैसे सपोज ए हमारा वैल्यू आ गया जेड का, तो रेसिड्यू ऑफ फंक्शन जेड एट एट जेड इक्वल टू ए विल बी लिमिट जेड टेंड्स टू ए जेड माइनस ए इंटू फंक्शन ऑफ जेड। तो रेसिड्यू ऑफ फंक्शन ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू विल बी लिमिट जेड टेंड्स टू ए जेड माइनस ए इंटू फंक्शन ऑफ जेड। उसके बाद केस टू, केस टू जो है हमारा रिपीटिंग पोल्स, ऐसा हो सकता है कि जब डिनोमिनेटर को हम लोग सॉल्व किए और जो है वो पोल्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब जेड के वैल्यू कोई आया जो दो बार तीन बार ऐसे रिपीट हो रहा है, तो हम लोग एग्जूम करते हैं कि मान लो रिपीटिंग पोल्स ऑफ ऑर्डर एन है एन टाइम्स रिपीट किया, तो उस समय हम लोग रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट ए इक्वल टू वन वन बटे एन माइनस वन का फैक्टोरियल इक्वल टू डी एन माइनस बटे डी जेड एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय जेड माइनस ए की पावर एन इंटू फंक्शन ऑफ जेड। तो ये हमारा रिपीटिंग पोल्स केस में करते हैं। जैसे मान लो जेड का वैल्यू थ्री हमारा तीन टाइम्स आ गया, तो हम लिखेंगे रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट
थ्री इक्वल टू वन बटे थ्री माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पर थ्री माइनस वन मतलब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव डी टू बाय डी जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जेड माइनस ए की पावर थ्री फंक्शन ऑफ जेड। तो ये ध्यान रखना है रिपीटिंग पोल ऑफ ऑर्डर अगर एन हो तो इस तरीके से हम लोग को रेसिड्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर यदि हमारा सपोज सारे रेसिड्यूज हम लोग को पता चल जाते हैं तो हम लोग वो इंटीग्रेशन भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला टू पाई आई इंटू समेशन ऑफ ऑल द रेसिड्यू एट द सिंगुलर पॉइंट्स विद इन द गिवन इक्वेशंस। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मतलब जैसे मान लो डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट में हो जहाँ p और q जो है फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट हो तो उस केस में हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx और सॉल्यूशन जो होता है हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स याद रखना है अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हो तो इस फॉर्मेट में हो तो हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स और फिर हम लोग सॉल्यूशन जो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ऐसा हो इक्वेशंस हमारा इस फॉर्मेट में हो mx प्लस mdx प्लस ndy इक्वल टू जीरो इस फॉर्मेट में तो पहले हम लोग चेक करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होगा तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का के हेल्प से फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे डेल एम बाय डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और डेल एन बाय डेल एक्स ये दोनों फाइंड आउट करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो फिर हम लोग समझ जाएंगे ये जो गिवन इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एम डी वाई वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और फिर हम लोग को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एम डी एक्स ट्रीट वाई एज कॉन्स्टेंट। जब हम लोग एम डी एक्स करेंगे तो जो भी वाई वाले फंक्शन होंगे एम में उसको वाई वाले को एज ए कॉन्स्टेंट के रूप में ट्रीट करके फिर इंटीग्रेशन करना है एम डी एक्स प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ दोज टर्म ऑफ एन विच आर फ्री फ्रॉम एक्स। तो इसमें फ्री फ्रॉम वाले एक्स वाले टर्म को लेना है और विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारा जो मेथड है वो हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब यहां से हम लोग देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या फंक्शन ऑफ टी वो होता है जीरो टू इनफिनिटी टू द पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी डी टी और लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो फंक्शन है टी का उसका फॉर्मूला एस इंटू एफ एस माइनस एफ जीरो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश टी मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी यहाँ पर तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एस इंटू एफ एस माइनस एफ जीरो और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी सेकेंड डेरिवेटिव अगर है फंक्शन ऑफ टी का तो वो फॉर्मूला होगा एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस इंटू एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव टी वो जाएगा एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस इंटू एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज जो है सब इसका जनरल फॉर्मेट जो होता है एफ एक्स इक्वल टू वो होता है ए जीरो बाय टू प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स और इंटरवल ले लेते हैं हम लोग सी से सी प्लस टू पाई। ठीक है, तो फूरियर सीरीज में दो तरह का इंटरवल होता है, एक तो एंगल का इंटरवल होता है एक कॉन्स्टेंट का इंटरवल होता है। तो दोनों केस में हमको समझना पड़ेगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स ए जीरो बाय टू समेशन एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स और इंटरवल हम लोग मान ले रहे हैं सी से सी प्लस टू पाई है मतलब एंगल वाला इंटरवल है। तो ए जीरो जो होगा वो वन बाय पाई सी टू सी प्लस टू पाई फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स होगा एन जो होगा वो वन बाय पाई सी टू सी प्लस टू पाई फंक्शन ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स होगा
और bn जो होगा वो 1 बाय पाई c2 c प्लस 2 पाई fx फंक्शन ऑफ x sin nx dx होगा। और अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जैसे हाफ साइन 3, हाफ साइन 3 मतलब फंक्शन ऑफ x इक्वल टू n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी bn sin nx, इसको कहते हैं हाफ साइन 3। और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज मतलब फंक्शन ऑफ x इक्वल टू a0 बाय 2 समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी a टू द पावर n cos nx, इसको कहते हैं हम लोग हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू a0 बाय 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी a टू द पावर n cos nx कहते हैं हम लोग हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। अब जैसे अगर इंटरवल हमारा है कॉन्स्टेंट इंटरवल जैसे सी से सी प्लस टूएल इंटरवल, तो सी से सी प्लस टूएल अगर हो तो फंक्शन ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो ए जीरो बाय टू प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाय एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल, और ए जीरो जो होगा यहाँ पर वन बाय एल सी टू सी प्लस टूएल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, और ए एन हमारा हो जाएगा 1 by L C to C plus 2L function of X cos n pi X by L dx। तो फूरियर सीरीज में हम लोग देखते हैं अगर जब C से C plus 2 pi है तो यहाँ पर जो इंटरवल 1 by pi सब में डिवाइडेड है, और जब यहाँ पर हमारा C से C plus 2L है तो सब में हमारा 1 by L हमारा आउटसाइड है। तो इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास हैं और उसको हम लोग डिस्कस किए, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, हर एक फॉर्मूला के ऊपर 5-6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके ये हम लोग को फॉर्मूलास का एप्लीकेशन समझ में आएगा, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं गेट में, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करो इसमें और एक फॉर्मूला और कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन, जिससे आप गेट के एग्जामिनेशन से आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट फिर फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे और भी जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और कंसेप्ट हैं टॉपिक्स हैं, तो जिससे आपको गेट के प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। थैंक यू।